हेलो बच्चों, लेट सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो सेट दिए हैं। देखिए, सेट ए क्या है? सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल हैं और साथ में इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस थ्री, ठीक है, प्लस क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फोर, लेस देन इक्वल टू क्या दिया है, थ्री दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, चलिए उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की हम एक ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस इंटीजर, इसके इक्वल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस आई के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, वेयर आई क्या होता है, वेयर आई इज एन इंटीजर, यहाँ पर आई क्या होता है, एक इंटीजर होता है, एन क्या होता है, इंटीजर हो जाता है। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये यूज करेंगे यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, दिस इम्प्लाइज एक्स लेस देन क्या होता है, ए प्लस वन हो जाता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है, दिस इम्प्लाइज क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस वन हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन ए है, दिस इम्प्लाइज क्या होता है, एक्स लेस देन ए हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इन चारों केस में ए क्या होता है, आपका एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो यही इन्हीं चारों में से किसी एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और जो पहली वाली प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखें, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से इंटीजर बाहर आ जाता है, प्लस थ्री प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फोर लेस देन इक्वल टू थ्री हो जाता है, दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस का सेवन लेस देन इक्वल टू क्या होता है, थ्री हो जाता है, दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होता है, माइनस फोर हो जाता है, दिस इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होता है, माइनस टू हो जाता है। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू ए बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू होता है, दिस इम्प्लाइज एक्स लेस देन क्या होता है, ए प्लस वन यानी माइनस वन हो जाता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, ये इसका सोल्यूशन है, किसका, ए सेट का सोल्यूशन है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जो बी सेट है उसकी बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि बी सेट भी एक्स रियल है और साथ में इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, थ्री की पावर एक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, सिग्मा दिया है, क्या दिया है, सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी तक दिया है। ठीक है, थ्री बाई क्या दिया है, टेन की पावर आर अपॉन में क्या है, टेन की पावर आर है। ठीक है, और इसका होल पावर क्या दिया है, एक्स माइनस थ्री दिया है। ठीक है, और ये लेस देन क्या है, थ्री की पावर माइनस का थ्री एक्स है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, थ्री की पावर एक्स इंटू आ जाएगा थ्री की पावर एक्स माइनस का थ्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सिग्मा दिया है आर इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वन बाई टेन की पावर आर, ठीक है, और लेस देन क्या दिया है, थ्री की पावर माइनस थ्री एक्स दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, थ्री की पावर 2x माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, a बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a बाय 1 माइनस आर। ठीक है, ये तो आपका क्या है, जी इनफाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 बाई 10 है और कॉमन रेशियो क्या है, वो भी 1 बाई 10 है, 1 ये 10 लेस देन क्या हो जाएगा, 3 की पावर माइनस 3x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज देखिए 3 की पावर 2x माइनस का 3, ठीक है, ये 1 बाई 10 है और यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 बाय, सॉरी यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा, 9 बाई 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा, और लेस देन 3 की पावर क्या है, माइनस का 3। इससे अगर थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, 10 से 10 कैंसिल और 3 की पावर माइनस 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 की पावर माइनस 2 देखिए क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2x माइनस का 5। ठीक है, लेस देन क्या हो जाएगा, 3 की पावर माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो इनइक्वलिटी है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी है, इसका बेस क्या है, 1 से बड़ा है। अगर बेस 1 से बड़ा, बेस 3 है जो कि 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो जो साइन इनइक्वलिटी का होता है वही साइन उसके पावर्स के बीच में भी लग जाता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2x माइनस का 5, माइनस का 5 लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 5x लेस देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट ए है। ठीक है, तो क्लियरली देखिए सॉल्यूशन सेट ए क्या है, जो ए सेट है उसका सॉल्यूशन सेट क्या है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 आ रहा है। ठीक है, और जो बी सेट है उसका भी सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 आ रहा है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्लियरली यहाँ से क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों आपस में कैसे सेट हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियरली यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।